क्लास सेवन्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 14 लाइट, चैप्टर 13 प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं लाइट। लाइट इज अ इनविजिबल एनर्जी विच कॉजेज इन यूज द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या है आपकी? लाइट आपकी एक इनविजिबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी है जिसको आप देख नहीं सकते हो। ये किसके काम में आती? सिर्फ आपको विजन के काम में आती। विजन मतलब आप अगर अंधेरे में हैं, अगर आप अंधेरे में जाते ही साथ आप स्विच ऑन करते हो तो आपकी लाइट जो है वो क्या हो जाती है? ग्लो करने लगती हो। ग्लो करने के साथ जो भी आपके उस रूम में थिंग्स रहती है वो आपको देखने लगती है। ये क्या होती है? आपकी विजन होती है। मतलब आप किसी भी चीज़ को देख सकते हो। किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से। ठीक है, तो वर्ड क्लियर हुआ आपको लाइट क्या होती है। नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक आता है लैक्टिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लैक्टिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में बताया गया है कि जो आपकी लाइट है वो हमेशा किस में ट्रेवल करती है? आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक ये आपका टॉर्च है, आप इस टॉर्च को जलाते हो तो क्या होती है लाइट? ये ऐसी जाती है। तो लाइट क्या कर रही है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ये आपने देखा होगी आपकी बाइक्स होती हैं, आपकी कार होती है, जब आप इसकी हेडलाइट को जलाते हो तो क्या होती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है। आपने कभी देखा कि आपने जब लाइट जलाई तो लाइट इस साइड चली गई या इस साइड चली गई? नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो रहती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। तो इसी कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हुए लाइट को क्या बोला गया है और इस प्रोसेस को क्या बोला गया है? प्रोसेस को क्या बोला है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, लेकिन इस फिनोमेना को क्या बोला गया है? लैक्टिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें आपका ल्यूमिनस एंड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनेटेड एंड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट रहते हैं जिनकी खुद की लाइट रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अगर सन, मून, ये कैसे रहते हैं? ल्यूमिनेटर रहते हैं। मतलब इनको अपनी लाइट के लिए किसी अदर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं आप इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट की, तो इल्यूमिनेटेड बॉडी ऐसी बॉडीज होती हैं जिनको लाइट प्रोड्यूस करने के लिए किसी अदर ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं मिरर। मिरर की सेल्फ की लाइट नहीं होती, लेकिन जब आप उसको सनलाइट में क्या करते हो? मूव करते हो, तो वो अपने साथ एक क्या करता है? रिफ्लेक्टेड रे निकालता है, एक लाइट निकालता है। तो वो कैसा ऑब्जेक्ट है? इल्यूमिनेटेड। आपको दोनों इतना याद रखना है कि जो आपकी लाइट प्रोड्यूसिंग बॉडीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ल्यूमिनेटेड। और जिनकी सेल्फ लाइट नहीं होती है, जो अपनी लाइट के ऊपर किसी अदर लाइट के ऊपर डिपेंड रहती है, वो कैसे कहलाते हैं? आपके इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है रेगुलर रिफ्रैक्शन और इररेगुलर रिफ्रैक्शन। तो रेगुलर रिफ्रैक्शन ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जो कि प्लेन सरफेस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम मिरर की बात करते हैं। मिरर क्या है? आपका प्लेन सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, जिस पे से रिफ्रैक्शन होगा वो कैसा रहेगा? रेगुलर रहेगा। और इररेगुलर में कैसा रहेगा? रफ सरफेस से जब किसी चीज का रिफ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? आपका प्लेन सरफेस। इससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? आपका रेगुलर। और ये आपकी क्या है? रफ सरफेस है। इससे जो आपका रिफ्रैक्शन होगा वो कैसा रहेगा? इररेगुलर। मतलब इसकी जो रेज है रिफ्लेक्टेड रे, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन प्लेन मिरर की सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगे। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास 7, थैंक यू ऑल ऑफ यू।